हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और जस्ट उठने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर और यहीं से मैं आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी थी और आप लोग देख सकते हो यहाँ जो है ना सामने से रोड गुजरा है और गाड़ी का आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में एक दो बार झाड़ू जरूर लगा लेती हूँ और हम लोग का जो गाड़ी है यहीं पर रखा रहता है। तो यहाँ भी प्लास्टर नहीं किया हुआ है और जब आंधी तूफान आते हैं ना, पूरा बारिश का जो पानी है ना पूरा बाइक में पड़ जाता है और अभी तक देखिए पूरा गीला है, ज़मीन सूखे नहीं है। दो तीन दिन पहले ही बारिश हो चुकी है यहाँ और यहाँ देखिए मतलब ये ना पूरा पहाड़ी एरिया है। जो मेरा ब्लॉग देखता है वो जानता होगा। तो यहाँ देखिए अभी मैं छोटे छोटे घास सबको निकाल रही हूँ। दो तीन दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो धूप आते हैं ना उसी टाइम ये सब अजीले निकल आते हैं। तो यहाँ आसपास पहले बहुत ज़्यादा झाड़ी हुआ करता था, तो मैं इसी तरह हाथ से मतलब मॉर्निंग में डेली ये सब थोड़ा थोड़ा मैं ज़रूर साफ करती हूँ। तो ऐसे करने से आप लोग देख सकते हो उतना घास आसपास नहीं हुआ है और जितने भी बड़े बड़े घास हुआ करता था सबको मैंने हाथ से निकाल दिए थे। तो अभी इसीलिए ये छोटे छोटे घास ही है। तो अभी जब भी मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगाती हूँ तो ये सब मैं काम जरूर करती हूँ। ऐसा करने से ना आसपास भी साफ रहता है और मेरे दोनों बच्चे ये बाहर ही खेलते हैं। और मॉर्निंग में करने से क्या होता है ना, मतलब शाम तक में हम बहुत अच्छे हो जाते हैं और बच्चे दोनों अच्छे से खेलते हैं। फिर भी मैं ज़्यादा दूर तक साफ नहीं करती हूँ, जितने मेरे घर है उतना तक ही मैं करती हूँ। और यहाँ मैं बच्चे दोनों खोल के गड्ढा कर देती तो इसको मैं मिट्टी थोड़ा सा भर लेती हूँ। और अभी जा रही हूँ अंदर और अंदर आने के बाद देखिए कपड़े सब इधर उधर फैला हुआ था। तो यहाँ क्या होता है ना, दोनों मेरे बच्चे कपड़े अपने से निकाल लेते हैं और कपड़े सबको इसी छोड़ देते फैला के। तो इसी वजह से भी कपड़े मैं दिन में दो तीन बार या शाम को भी समेट के रखती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, मॉर्निंग में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय वो अपने से ड्रेस वगैरह खोजते हैं ना, तो उसी टाइम ये सबको मतलब इधर उधर फैला हुआ है। तो हम लेडीज़ क्या करते हैं ना, रात को कुछ कुछ लेडीज़ घर सबको क्लीन करके रखते हैं, लेकिन मैं कभी कभी नहीं करती हूँ। मेरे घर ऐसे ही रहते हैं और मॉर्निंग में मेरा जितना भी काम होता है ना पूरा बढ़ जाता है। और अभी देखिए बच्चे स्कूल जाने के बाद ना मुझे टाइम में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसीलिए मैं आराम से घर का काम करती हूँ। और देखिए ये तो डेली का ही काम है, तो उतना वो नहीं है कि नहीं करना है, करना ही है, जब भी करें लेकिन करना ही है। तो हमेशा पहले मैं बेडरूम को क्लीन करती हूँ, ऐसा करने से ना मेरा काम भी इजली हो जाता है। और सबसे पहला काम होता है मेरा बेडशीट को ठीक करना। यह ठीक करने के बाद जितना भी मेरा सामान सब इधर उधर फैला रहता है सबको मैं उठा देती हूँ। और ऐसा करने से जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना इजली हो जाता है। और अभी अगर मैं सामान सबको ऐसे रखूँ ना तो जितना भी झाड़ू पोछा लगा लो क्लीन नहीं लगता है और साफ़ सुथरा भी नहीं रहता है, मतलब मन को नहीं लगता है। तो इसी वजह से देखिए बच्चे स्कूल जा चुके थे और ये देखिए बुक वगैरह कॉपी वगैरह ऐसे और मतलब फैला के गए हुए थे। बच्चा है, कभी कभी वो समेट के जाते हैं लेकिन मॉर्निंग में जो पढ़ाई करता है ना तो जब उसका टाइम हो जाता है ना तो ऐसे ही छोड़ देता है। तो अभी मैं इसी को समेट दे रही हूँ और टेबल को भी साफ कर देती हूँ। और ये मेरा छोटा बच्चा अभी उठ रहे थे, तो जब मैं बाहर गई थी तो उस समय वो सो रहे थे, तो इसी वजह से अभी जिद कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, जूता वगैरह पहन लिया है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि घर में भी काम रहता है और हमेशा उठने के बाद पहले मैं बाहर का ही काम करती हूँ। और ये मेरे पीछे पीछे भी लगा हुआ है कि चलिए मम्मी बाहर, और जब उनके भैया आएंगे ना हमको परेशान करके रख देगा कि खेलने के लिए हमको खेलना है। तो बच्चे का बस सुबह उठने के बाद दौड़ना उड़ना ही रहता है, पढ़ाई वढ़ाई अभी मॉर्निंग में नहीं करता, जब मैं बैठाती हूँ उसी टाइम वो करता है। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन। वैसे तो मैं किचन को हमेशा मतलब पोछा लगा के शाम को सो जाती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत मैं लगा लेती हूँ। और इधर ना मतलब हर एक वीडियो में बताती हूँ ये पहाड़ी एरिया का है और यहाँ पर ना कोई वो नहीं, कीड़ा मकोड़ा आते रहते हैं घुसते रहते हैं। और रात को जब मैं किचन में लाइट जला कर रखती हूँ ना तो मत बोले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और सब्जी सब अगर आप ऐसे रखेगा ना तो पूरा उसमें आ जाते हैं। तो अभी देखिए मैं स्टोव को पोछ दिया, पोछने के बाद मैं अभी इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो आराम से करती हूँ काम, उतना वो नहीं, हम दोनों अकेले हैं अभी। तो अभी देखिए मुझे जो लीजर्ड है
कुछ दिन से बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है वो ना, पूरा गंदा करके घर को रखता है, कहीं भी गंदे कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं इसको कैसे रखूँ है मैं सोच रही थी। तो हमको हॉल को ही अभी किसी चीज़ से कार्टून वगैरह से बंद करना है, तब जाके वो रुकेगा। लेकिन फिर भी वेंटिलेटर हर जगह है, वो लोग घर में आते रहते हैं, नेचुरल बात है। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्लैब के नीचे, और ये जो मेरा रेड वाला आप लोग को दिख रहा है कुछ नए नहीं है, उसी दिन मैं जब पूजा करने गई थी वही वाला बकेट था। तो अभी इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, ये पुराना वाला है। तो लहसुन बहुत दिन पहले का था, कुछ कुछ ख़राब था तो उसको मैं फेंक देती हूँ, और कुछ अच्छे उनको मैं रख दिया। और अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए दीवार आप लोग को दिख रहा है कुछ गीला गीला सा, कुछ भी अगर ज़्यादा बारिश हुई ना यहाँ तो इस तरह से जो इसका दीवार है ना पूरा पानी आने लगता है और पूरा बेड के नीचे चूने लगता है। और इसी तरह बारिश में थोड़ा सा बेडरूम में हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि पानी पूरा मतलब चू जाता है दीवार से। और अभी मैं किचन को भी झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू करके जब अच्छे से लगा लेती हूँ ना तो पोछा लगाने में उतना दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाता है। तो अभी मॉर्निंग में बहुत अच्छे से मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्या पता कहीं कुछ मतलब कीड़ा वगैरह रह जाए, ये मन में भरम रहता है। भरम नहीं सच्ची में कुछ ना कुछ मतलब रहता ही था पहले, अभी तो मैं बहुत क्लीन रखती हूँ। फिर भी डब्बा वगैरह को देखे मैं ऊपर उठा दी हूँ, ऐसे वैसे इधर उधर नहीं रखती हूँ मैं। और झाड़ू वगैरह लाइन का प्रॉब्लम है, अंधेरा है रूम भी, आप लोग देख सकते हो जितना बाहर का रोशनी है वही आ रहा है, खिड़की वगैरह का पर्दा मैंने क्लिप करके रख दिया हूँ ताकि रोशनी जितना भी आए बाहर से आए लाइन का। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हर जगह ही प्रॉब्लम है, कुछ कुछ जगह में, हर जगह नहीं। लेकिन अभी देखिए मेरा झाड़ू लगाना हो चुका है, तो अभी मैं बर्तन पहले धो देती हूँ। बर्तन इसलिए धो देती हूँ पहले क्योंकि ये धोने से ना अच्छे से जब पानी वगैरह भी ज़मीन में टपकते हैं ना तो पोछा लगाने के टाइम में अच्छे से ऐसे में भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो ऐसे करती हूँ हमेशा, बर्तन को मैं धो ही लेती हूँ, धोने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी बेसिन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ और अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाना। तो शुरुआत मैं किचन से कर रही हूँ, यहाँ मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। इसे करने से ना क्या होगा, मेरा जब नाश्ता बनाने का टाइम होगा तब तक मैं फैन चला के यहाँ सुखा लेती हूँ। और हमेशा किचन में ही पहले करती हूँ, यहाँ अच्छे से ड्राई होना चाहिए नाश्ता जब बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा परेशानी नहीं हुआ उतना। और ये जब गीला रहता है ना तो घुस भी नहीं पाती हूँ अंदर। और अभी देखिए हर कोने कोने को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ पोछा लगा के, और डेली पोछा लगाती हूँ वो नहीं, मेरा यही है मॉर्निंग का जो रियली मेरा रूटीन है यही है मेरा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अभी आ गई हूँ बेडरूम, और बेडरूम को भी मैं अभी अच्छे से पोछा लगाती हूँ। डेली लगता है मेरा घर में पोछा, एक दिन वैसे वो नहीं। और ये देखिए अभी बाहर में ये चटाई ये मैं पड़ रहा था ऐसे ही, तो उसको अंदर में बुला ली। और अभी देखिए बाहर भी मैं लगाने वाली हूँ पोछा, तो इससे पहले कि मैं इसको बेड में उठने के लिए बोल दी। और अभी यहाँ जल्दी सूखेगा नहीं, और हम लोग का जो फ़ैन है सेलिंग फ़ैन उसमें भी प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरे घूमता है, इसी वजह से भी यहाँ ना जल्दी सूखता नहीं है। और मत बोलिए, देखिए बाल बच्चे को मैंने बाल पकड़ा दिया कि बाहर फेंक दो, जो मैं कंघी लगाती हूँ ना इतना बाल झड़ रहे हैं, मत बोलिए। अरे पोछा लगाने के टाइम ना पूरा आ जाता है और अच्छे से पोछा भी नहीं लगा पाती हूँ, ये रोड़ा आ जाता है बीच में क्योंकि ये चिपक जाते हैं। और मैं अच्छे से मैं 2-3 बार मुझे लगाना पड़ता है, ये मतलब चिपकने से ना उठते नहीं बाल, ऐसा चीज़ है कहीं भी चिपक जाए ना वो निकलते नहीं जल्दी। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाथरूम, और बाथरूम में सबसे पहले मैं यहाँ बेसिन को थोड़ा सा रगड़ देती हूँ, बहुत दिन हुए इनको भी साफ़ किए हुए, वैसे तो यूज नहीं करती हूँ, ये छोटा सा बेसिन है तो हम लोग उतना इसमें यूज नहीं करते हैं, इसे पाइप लगा के ही मैं पानी को लेती हूँ। और देखिए अभी बाथरूम को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और आज तो मैं बाहर वगैरह झाड़ू की ना तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, तो अच्छे से मैं हर जगह को क्लीन करती हूँ और बाल वगैरह को भी मैं धो लूँ। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन, और अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, बच्चे अभी भूखे हैं। तो मॉर्निंग में कुछ अभी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, ये सेवई मेरा बचा हुआ था तो इन्हीं को बनाऊँगी। तो
तो ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो आज मैं इनको ख़त्म कर देती हूँ। और बच्चे को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए इसमें चीनी और नमक मिला के बनाऊँगी। नमक मिलाने से ना इसमें दूध का टेस्ट आता है। और इसमें कम पानी यूज करूँगी, तो ज़्यादा गीला करना भी इसको ना जो टेस्ट है वो कम आता है, मुझे उतना टेस्ट नहीं लगता है। तो थोड़ा मैं इनको टाइट बनाऊँगी। और ये देखिए आज जो मैं आटा सान रही थी ना मॉर्निंग में, तो गीला हो गया था और आटा देते देते बहुत ज़्यादा आज मतलब साना गया है, तो काफ़ी ज़्यादा रोटी बनने वाला है और खाने वाला है नहीं उतना। तो देखिए शाम तक अगर मैं इनको रखती हूँ ना तो ख़राब हो जाता है, तो फ्रिज में रखती नहीं हूँ मैं। फ्रिज में रखने से ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आटा वगैरह को मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ मेरा जो रोटी है वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा आज। और मैं मॉर्निंग में ज़्यादा मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ उतना, 2 से 3 रोटी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो चलिए मेरा रेडी हो गया, और इस तरह जब मैं मेरा जब बन जाता है नाश्ता फिर से मैं पोंछ लेती हूँ। और ऐसे करने से ना उसी टाइम मतलब पोंछने से थोड़ा साफ़ सुथरा भी रहता है, नहीं तो पूरा मक्खी से बैठ जाते, इसमें मक्खी आ जाते हैं। तो ये देखिए मेरा जो सेवाई है वो रेडी हो गया है, वो काफ़ी अच्छा बने हैं, देख सकते हो उतना गीला नहीं हुआ है आज। और अभी हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं, और अभी देखिए टाइम भी हो रहा है दोपहर का खाना बनाने का भी। तो कपड़ा सब थोड़ा सा है मेरा, इनको भी मैं मशीन में अभी डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ नाश्ता करने, और मेरे जो बच्चे हैं वो अभी तक नहाए नहीं हैं, उनको मैं कह रही थी चलिए नहा देंगे, तो बोला मम्मी लेट से नहाएंगे इसी वजह से मैं इनको छोड़ दी थी, तो वो भी मेरे साथ खा लिया है। और ये देखिए सब कुछ मैंने जितना भी बेडशीट वगैरह था सब मैं निकाल ली थी और मशीन में डाल दी। और अभी ये जो प्लास्टिक आप लोग को दिख रहा है, ये जो मेरे बेटे दोनों मतलब छोटे थे उसी टाइम हम लोग लिए हैं, अभी तो वैसे ही है। ऐसे करने से जब बोलो तो टॉयलेट वगैरह भी करते थे ना सीधे गद्दे में, नहीं जाता है, और ये अच्छा से धूल वगैरह को भी पोट्रेट करता है गद्दे को, तो इसी वजह से मैं प्लास्टिक हमेशा लगा के रखती हूँ। और ये देखिए अभी मैं यहाँ मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो अभी बहुत ज़्यादा कपड़े थे, छोटे छोटे कपड़े को तो मैंने हाथ से ही धो दिए थे। अभी देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर से भी सरफ डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा ही सरफ डालती हूँ क्योंकि कपड़े भी थोड़ा ज़्यादा ही है। 2-2 बेडशीट डाली हूँ इसमें, और छोटे छोटे बड़े बड़े और भी कपड़े थे, तो अभी मैं कनेक्ट कर देती हूँ। और ये देखिए इधर से मुझे छोटा बच्चा ना मतलब मेरा बच्चा वो देख रहे थे कि वो उसको मतलब अभी कुछ चाहिए था इनको, तो अभी नहीं दे रहे थे। और देखिए इधर मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ रहा है पाइप, क्योंकि यहाँ से देखिए ना बाथरूम थोड़ा सा दूर है, और हम लोग बाथरूम के पास रखे नहीं वॉशिंग मशीन को, बोर्ड उधर नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहीं पर रखे थे फ्रिज और वॉशिंग मशीन पास पास। और ये देखिए मैंने उधर कपड़े वगैरह को मशीन में डाल दिया है, और इधर इसको मैं नहला दी थी, तो ये मुझे कह रहे थे मम्मी कैमरा हटाइए, लेकिन वो शर्मा रहे थे इसी वजह से वो हंस रहे थे। तो अभी मैं इनको अच्छे से नहला दिया, तेल वगैरह लगा दिया हूँ, और बस हम लोग का जो जितना भी ये दोपहर तक का ये काम होता है इसी तरह टाइम हो जाता है खाना वगैरह बनाने का भी। तो चलिए अभी मेरा जो मशीन है उसमें शायद कपड़े भी अच्छे से धुल गए होंगे, तो मैं इसको चेक करती हूँ अभी। तो ये देखिए हो गया है, इसमें अलार्म भी आ चुका था, तो मैं निकाल लेती हूँ पहले इसको कपड़े को। तो बरसात के बाद जितने भी कपड़े गंदे हो जाते हैं सब मैं ऐसे तो साफ नहीं करती हूँ यहाँ, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताई हूँ यहाँ टांगने का कपड़ा टांगने का ज़्यादा ही नहीं है उतना, तो इसी वजह से जितने भी कपड़े गंदे हो जाते हैं पूरा मतलब हम लोग बरसात के टाइम में ऐसे ही रख देते हैं, इसी वजह से भी कपड़े मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। तो कल परसों तो बारिश हो रही थी, और कपड़े देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, एक बकेट फुल। तो अभी देखिए इधर मेरा बेटा है वो कैमरा हिला रहे थे, तो इनको मैं मना कर रही थी कि रहने दीजिए, और अभी मैं थोड़ा सा इनको पोंछ लेती हूँ और कवर वगैरह लगा लेती हूँ। और अभी तो उतना धूप दिखाने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मशीन में सूख जाते कपड़े वगैरह। तो चलिए मैं आ गई हूँ फिर से किचन, अभी 12 बज चुके हैं और बच्चे का आने का टाइम भी हो रहा है, तो यहाँ मैं दाल बना रही हूँ आज, तो ये मसूर दाल और अरहर दाल है, तो बच्चे दोनों को ये भी पसंद है, क्योंकि दिन में हम लोग का मतलब जो दोपहर का खाना में दाल ज़रूर बनता है। और ये देखिए दाल मेरा रेडी हो गया था, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मतलब जीरा और ड्राई जो चिली होती है उससे देखे मैंने इनको छोंक लगाई हूँ। और इसके बाद मैं दूसरा जगह इनको ट्रांसफ़र करके अभी देखे आलू को भी बॉइलिंग करके रखी थी, तो इनको भी मैं अभी भून देती हूँ। तो ज़्यादा इसमें कुछ मसाला का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये सफ़ेद वाला
चोखा बन रहा है। तो ऊपर से देखिए मैं हरा मिर्चा भी कट के दे दिया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ हम लोग ना मतलब दोपहर का खाना वगैरह खा लिए हैं और बच्चे उधर अपना पढ़ाई कर रहे थे, और यहाँ देखिए बेडशीट सब सूखा नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग मतलब एक तो ब्लैंकेट को बिछा के बच्चे को मैं इसको सुला रही थी लेकिन सो नहीं रहे थे। और अभी मेरा जो तकिया का कवर है वो भी सूख गए थे, तो उनको भी मैं लेके आ गई थी। अभी मैं पिल्लू वगैरह को इसमें घुसा देती हूँ और इसी में इसको मैं सुला दूँगी। तो अभी देखिए खाने के बाद रेस्ट करने का तो मन करता ही है, लेकिन अभी देखिए वो सो नहीं रहे थे, इसको क्योंकि बेड शीट चाहिए था तो वो नहीं कर रहा था। मैंने इनको सुला दी कि चलो हम इनको सुला देते हैं। तो बस आज की वीडियो